भोजपुरी सिने इंडस्ट्री की अगर बात करें तो दिनेश लाल यादव निरहुआ एक ऐसा नाम है जो हर किसी के जुबा पर रहता है। दिनेश लाल जी के जज्बे को सलाम करती हूँ। उन्होंने पूरे ईमानदारी के साथ मेहनत की। अरे अरे चौंकिए मत, ये बात हमने नहीं कहा, ये बात कहने वाली रानी चटर्जी है जिन्हें भोजपुरी जगत की माधुरी दीक्षित के नाम से जाना जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि रानी दिनेश लाल यादव की हार की वजह से अपने क्लोज फ्रेंड निरहुआ की बुरी हार की वजह से पूर्व यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश पर ही हमला बोल गई। उन्होंने तंज कसते हुए उन्हें ही इस बार अपमानित किया है। जी हां, रानी ने दिनेश को विनर बता दिया। उनकी हार पर कैसा उनका हश्र हुआ होगा इस बात का अंदाजा रानी को लग गया, जिसके बाद उन्होंने अपने आंसुओं को अपने शब्दों के जरिए निकाला। जी हाँ, उनके शब्दों से रानी किस तरह रोई है साफ साफ नजर आया है। रानी ने निरहुआ को लेकर दिनेश लाल जी लिखा, उन्हें सम्मान के साथ उनके जज्बे को सलाम किया। उन्होंने कहा ईमानदारी के साथ मेहनत तो उन्होंने की होगी, ईश्वर उन्हें मौका देगी और वो फिर आगे बढ़ेंगे, उन्हें कोई हरा नहीं पाएगा। अखिलेश यादव जिन्होंने निरहुआ को हराया वो भी नहीं हरा पाएंगे, यही रानी का कहना था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि उनकी नजर में विनर है दिनेश लाल यादव निरहुआ, बाकी जनता बेहतर जानती है। आई तो मोदी ही की सरकार, आए तो मोदी जी ही ना। ये कहते हुए रानी ने निरहुआ का दर्द बांट कर उनका दर्द कम करने की कोशिश की। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से तृप्ति की रिपोर्ट।